मंडला जिला पंचायत की कुर्सी के लिए भाजपा ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन कर जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर अपना कब्जा जमा लिया है। वहीं गोंडवाना पार्टी ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष की कुर्सी पर अपना कब्जा जमाया। बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा के संजय कुशराम को 9 वोट मिले। वहीं गोंडवाना पार्टी के कमलेश तेकाम को भी 9 वोट मिले, जिसके आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने संजय कुशराम को जिला पंचायत अध्यक्ष और कमलेश तेकाम को जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद का प्रमाण पत्र देकर विजयी घोषित किया। डॉक्टर संजय कुशराम ने जीत का श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं, सहयोगियों और उनके परिजनों को दिया है। उन्होंने कहा कि वे युवाओं की शिक्षा, खेल और अन्य छोटी छोटी व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे। वहीं मंत्री कुलस्ते के परिवार से ताल्लुक रखने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पारिवारिक संबंध एक अलग बात है, अभी तो संगठन को मुझे आगे ले जाना है। जिस जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर मैं इस जिले का सबसे कम उम्र का प्रत्याशी के रूप में यहां चयनित हुआ हूं, तो इससे ये आप सबको इस मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि युवाओं के बीच में काम, शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देते हुए मैं काम करना चाहता हूँ, साथ ही साथ खेल कूद के क्षेत्र में ऐसा काम ताकि युवाओं को उन्हें उचित मंच मिल सके, इसकी लड़ाई रहेगी। पर इसके साथ साथ सामाजिक व्यवस्थाओं को के बीच में काम करने का भी हम लोग लगातार काम करेंगे, और जो छोटी छोटी व्यवस्थाएं जो हमेशा जो दुरुस्त नहीं हो पाई उनके ऊपर उचित काम करने का हमारा एक प्रयास रहेगा लगातार। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी समर्थित नवनियुक्त उपाध्यक्ष कमलेश तेकाम का भी कहना है कि समाज और क्षेत्र की समस्याओं पर कार्य करने का प्रयास करेंगे। मेरा ये फर्स्ट टाइम जीतने का अनुभव जो, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मंडला जिले में काफ़ी अथक प्रयास के बाद एक पहली सफलता, तो उसको कहीं ना कहीं समाज को और इस क्षेत्र को पूरा भरसक 100% में देके और पूरा विकास की गति, जिस पद पे मेरे को नियुक्त किया गया है या चुना गया है, तो उस पद के अनुरूप मैं मेरी तरफ से गंभीरता के साथ जो आज तक मैं कोशिश करूंगा कि जो ना हो पाया हो मंडला जिले के लिए, वो मैं पूरा करूंगा। गोंडवाना की जगह और अब भाजपा है, ज़्यादातर सड़कों में आप भाजपा क्या स्थिति बनेगी? नहीं, विचारधारा हमारी वही रहेगी, और ये तो राजनीतिक वो है, ये राजनीति में सब अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, विचारधारा भी अलग अलग है। हम तो संगठन के साथ रहेंगे, समाज के साथ रहेंगे, जो विचारधारा पार्टी की है वो हमने अपनी विचारधारा किसी से बेचा नहीं है, आदान प्रदान किया है राजनीति को देखते हुए।